गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल आरसी ड्रोन की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। इस तरह का ड्रोन शायद ही आप लोगों ने कहीं पर भी देखा होगा। ये है दोस्तों वो स्पेशल ड्रोन, इसका नाम है पेट्रोसोरस फ्लाइंग ड्रोन। ये दिखने में एक डायनासोर जैसा दिखाई देता है। मेरे पास चलने वाले डायनासोर तो बहुत सारे, पर आज मैंने उड़ने वाला डायनासोर भी खरीद लिया है। लुक देखो यार, इसके लुक की वजह से ही मैंने इसको खरीदा है। इसके साथ मैं आज बहुत सारे ड्रोन की फाइट कराने वाला हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक बहुत ही स्पेशल ड्रोन है, इसको हम लोग बाइक बना के भी नीचे चला सकते हैं और एक ड्रोन की तरह भी फ्लाई करा सकते हैं। ये एक बहुत ही सस्ता वाला ड्रोन है यार, इसका नाम है HX750 ड्रोन। अभी ये भी एक बहुत ही स्पेशल ड्रोन है, इसका नाम है मल्टी फ्लाई 3-in-1 ड्रोन। ये तीन तरीके से फ्लाई कर सकता है। चलो गाइस, इस ड्रोन को फटाफट से अभी अनबॉक्स करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इस ड्रोन के अंदर क्या क्या मेन फीचर्स है आप यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हो। इसके अंदर डायनासोर जैसी साउंड भी दी गई है, ऑटो टेक ऑफ है, ऑटो लैंडिंग है, स्पीड सेटिंग्स भी आप इसे कर सकते हो, यानी कि आप इसको लो स्पीड पे भी फ्लाई करा सकते हो, हाई स्पीड पे भी आप इसको फ्लाई करा सकते हो। चलो इस फटाफट से बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। इसके साथ हम लोगों को 2.4 GHz का एक रिमोट मिलता है। शायद बॉक्स इस तरफ से ओपन हो जाएगा। ये देखो बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया। अगर आप ये डायनासोर वाला ड्रोन खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा। उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है, वहां पर इसके वेबसाइट का बाय लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप चाहे तो ये फ्लाइंग डायनासोर वाले ड्रोन को खरीद भी सकते हो। इस तरह का रिमोट मिला है मेरे को इसके अंदर। रिमोट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेस्ट मेरे को लग रही है। रिमोट के सारे सेटिंग्स के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। इसके साथ मिलती है इस तरह की बैटरी और कुछ प्रोपेलर्स भी मिले हैं। बैटरी भी काफी अच्छी खासी बड़ी साइज की मेरे को लग रही है। ड्रोन को यहां से निकाल लेते हैं। यार सच में मैं ये ड्रोन को पकड़कर सरप्राइज हो चुका हूँ, क्योंकि ड्रोन का जो वेट है बहुत ज्यादा दे रखा है। यार ड्रोन्स बहुत हल्के होने चाहिए, पर ये ड्रोन पता नहीं इन लोगों ने वजनदार क्यों बना रखा है। ज्यादातर ड्रोन्स के जो विंग्स या फिर उनकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, पर इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है यार। ये प्लास्टिक भी इन लोगों ने बहुत ज्यादा मोटा वाला यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। पर इसका हेड है बिल्कुल एक बर्ड जैसा ही दिखाई देता है, पर एक्चुअल में ये एक डायनासोर है। तो ऊपर की तरफ यहाँ दो प्रोपेलर्स मिल जाते हैं, नीचे की तरफ भी दो एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिल जाते हैं इसको बिल्कुल सही तरीके से फ्लाई कराने के लिए। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। ऊपर की तरफ डिजाइन देखो यार, बहुत ही ज्यादा यूनिक है। पीछे की तरफ इसके लेग्स वगैरह भी दिए गए हैं। तो अगर आपने कोई भी डायनासोर वाली मूवी देखी होगी तो इस तरह का डायनो बर्ड आपने उस मूवी के अंदर जरूर देखा होगा। नीचे की तरफ इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। नीचे की तरफ से भी इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड मेरे को लग रही है। यहाँ पर बैटरी आराम से आ जाएगी। हम लोग इसके अंदर ज्यादा बड़ी बैटरी नहीं लगा सकते हैं गाइस। इसके साथ जो बैटरी मिली है वही बैटरी हम लोगों को इसके अंदर डालना पड़ता है। यहाँ पर इसके लैंडिंग गियर्स भी दिए हुए हैं ताकि ये बिल्कुल सही तरीके से लैंड वगैरह कर सके। तो अभी इसका रिमोट मैं आपको दिखाता हूं। रिमोट बहुत ही ज्यादा यूनिक है और रिमोट का साइज भी अच्छा खासा दिया हुआ है। ऊपर की तरफ दो ट्रिगर्स मिलते हैं, यहां से आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो और इसके अंदर जो साउंड आती है वो भी यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये इसके जॉयस्टिक्स है, यहां पे एक इंडिकेटर मिल जाता है। अच्छा, टेक ऑफ लैंडिंग के लिए ये बटन है। यहां पे इसके लाइट्स वगैरह आप स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हो। इसको डायरेक्शन में फ्लाई कराने के लिए ये बटन यूज करेंगे। अभी दूसरे वाले ड्रोन को अनबॉक्स करते हैं। ये एक लीप ड्रोन है। इसके अंदर फीचर्स देखो यार, कितने ढेर सारे दे रखे हैं। तो फटाफट से इसको भी मैं आपको अनबॉक्स करके बता देता हूं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो और फटाफट से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ इस तरह की यूजर मैनुअल मिल जाती है। यहां पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट कंट्रोलर के बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे बटन दे रखे हैं। यहाँ पे इसकी जॉयस्टिक्स है। ऊपर की तरफ ट्रिगर्स भी मिल जाते हैं। रिमोट कंट्रोलर की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया मेरे को लगी। ये है हमारा लीप ड्रोन। यहाँ पर इसकी हैंडल भी दे रखी है। जब हम इसको बाइक बनाएंगे तो ये हैंडल थोड़ी बहुत काम में आ जाएगी। सामने कैमरा भी इसके अंदर मिल जाता है। कैमरा की क्वालिटी उतनी खास मेरे को लगी नहीं, इससे पहले भी मैंने इसको टेस्ट किया हुआ। अभी नीचे की तरफ यहाँ पर इसके प्रोपेलर्स लगाए गए हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे ना गाइस, तो ये प्रोपेलर्स पूरे के पूरे नीचे की तरफ सेट किए हुए हैं। इसके अंदर देखो यार, दो प्रोपेलर्स ऊपर की तरफ है, दो प्रोपेलर्स नीचे की तरफ दिए हुए हैं। देखते हैं दोनों में से आज कौन सा ड्रोन बिल्कुल स्टेबल तरीके से फ्लाई कर पाता है। यहाँ पर इसकी सीट वगैरह भी दे रखी है। अगर इसको हम लोगों को बाइक बनाना है, जस्ट इस तरह से फोल्ड करना होगा और ये बाइक बन जाएगी। और इसके ये व्हील्स है, व्हील्स यहाँ पर अंदर की तरफ लगा देंगे तो बिल्कुल ये नीचे एक बाइक की तरह भी चलने लगती है। इसके अंदर इस तरह की बैटरी आ जाती है। इसी तरह की बैटरी इस वाले ड्रोन के अंदर भी इन लोगों ने दे रखी है। अभी ये देखो गाइस, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट ड्रोन है और ये मेरा सबसे पहला खरीदा हुआ ड्रोन भी है। इसका प्राइस सिर्फ 1500 रुपीज था गाइस जब मैंने इसको खरीदा था। 1 key रिटर्न फीचर भी इस ड्रोन के अंदर दिया हुआ है। आज भी ये ड्रोन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करता है। इसके अंदर इस तरह का रिमोट मिलता है। रिमोट छोटा है। फटाफट तरीके से मैं आपको ये ड्रोन भी निकाल के दिखा देता हूँ। इंडिया में ये ड्रोन बहुत ज्यादा बिका है। प्रोपेलर्स की क्वालिटी ठीक ठाक है, इसका साइज भी ठीक ठाक है। ये
ड्रोन ज्यादा छोटा भी नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। नीचे की तरफ बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको कैमरा जैसा कुछ डिजाइन नजर आएगा, पर ये कैमरा नहीं है। इसके अंदर मिलती है इस तरह की बैटरी, बैटरी का साइज बहुत ज्यादा छोटा है ये ड्रोन के हिसाब से। अब ये है सबसे लास्ट वाला ड्रोन, इसका नाम है मल्टी फ्लाई 3-in-1 ड्रोन। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इसकी जो मेन ड्रोन की बॉडी होती है यहाँ पर मिलती है। आप इसके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स लगाकर इसको फ्लाई करा सकते हो। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना गाइस, ऊपर की तरफ दो प्रोपेलर्स मिलते हैं, नीचे की तरफ दो प्रोपेलर्स मिलते हैं। इसकी बैटरी इनबिल्ट ही आ जाती है, इसकी बैटरी आप निकाल नहीं सकते हो। आप इसको एक एरोप्लेन की तरह भी फ्लाई करा सकते हो और एक होवरबोर्ड की तरह भी फ्लाई करा सकते हो। इसके साथ इस तरह का एक फ्लाइंग मैन भी मिल जाता है, इसको आप कस्टमाइज करके इसके ऊपर लगा भी सकते हो। अभी ये फ्लाइंग मैन को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, अभी ये कम्प्लीटली एक फ्लाइंग होवरबोर्ड जैसा दिखाई दे रहा है। इस ड्रोन के साथ इस तरह का रिमोट मिलता है, ये आ जाता है UDIRC की तरफ से। टेक ऑफ लैंडिंग का बटन दिया हुआ है, यहाँ से हम इसकी स्पीड वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ चार ट्रिगर्स इसके अंदर मिलते हैं, 3 AAA बैटरीज डालनी पड़ती है इस रिमोट को ऑन करने के लिए। ये चारों ड्रोन को मैंने यहाँ पे रख दिया है। सबसे यूनिक ड्रोन जो है गाइस मेरे को ये वाला लग रहा है, उसके बाद ये बाइक वाला ड्रोन लग रहा है। देखते हैं ये ड्रोन इन सभी ड्रोन को आज हरा पाता है यानी। चलो गाइस लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले पेट्रोसोरस ड्रोन को टेस्ट करते हैं इंडोर में। एक बटन दबाते ही ये इस तरह से होवर करने लगता है, ये चीज इसके अंदर मेरे को कमाल की लगी गाइस। इसको ज्यादा कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही फ्लाई करने लगता है। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको धागे से बांधकर लटका रखा है। देखो इतना ज्यादा स्टेबल तरीके से ये फ्लाई कर सकता है। इसके अंदर डायनासोर वाली साउंड भी दी गई है, ये साउंड रिमोट के अंदर से आ रही है ना कि अपने ड्रोन के अंदर से। ये चलो फटाफट से इसको आउटडोर में भी टेस्ट करके देखते हैं। आउटडोर में भी ये बिल्कुल स्टेबल तरीके से फ्लाई कर रहा है और यहाँ पर भी मेरे को इसको ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये अपने आप ही बहुत कमाल तरीके से फ्लाई कर सकता है। यहाँ पर हवा भी कुछ ज्यादा ही चल रही है, फिर भी हमारा जो ड्रोन है बहुत मस्त तरीके से फ्लाई कर रहा है। इसको मैं चाहूं तो बहुत ऊपर तक भी फ्लाई करा सकता हूँ। फ्लाइंग होवरबोर्ड वाले ड्रोन को भी टेस्ट करते हैं आउटडोर में, ये किस तरह से फ्लाई करता है। एक बटन दबाती है ये भी टेक ऑफ करने लगता है, पर आउटडोर में इसको उड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये ड्रोन बहुत ही ज्यादा हल्का फुल्का है और छोटा भी है, इस वजह से क्रैश हो रहा है। अब यही ड्रोन को इंडोर में भी टेस्ट करूंगा। देखो इंडोर में ये बहुत स्टेबल तरीके से फ्लाई कर सकता है, पेट्रोसोरस ड्रोन से भी ये स्टेबल तरीके से फ्लाई कर रहा है यार। ये ड्रोन सिर्फ इंडोर में फ्लाई कराने के लिए ही बनाया गया है। मेरे पास इसी तरह के दो अलग कलर के ड्रोन है, ये वाले ड्रोन को मैं आउटडोर में टच करने वाला हूँ। बिल्कुल भी ड्रोन प्रॉपर तरीके से फ्लाई नहीं कर रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है इसको कंट्रोल करने में। मैं इसको इंडोर में टच कर रहा हूँ, इंडोर में देखो यार यही ड्रोन बहुत अच्छे तरीके से फ्लाई करता है। अभी ये HX750 ड्रोन को टेस्ट करते हैं। देखो ड्रोन तो फ्लाई कर रहा है पर यहाँ पर हवा कुछ ज्यादा ही आ रही है। अगर हवा नहीं चलेगी तो गाइस ये ड्रोन को हम लोग आउटडोर में भी फ्लाई करा सकते हैं। अभी ये सारे के सारे ड्रोन्स का मैं वेट लिफ्टिंग टेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले पेट्रोसोरस ड्रोन को टेस्ट करते हैं, इसके नीचे मैंने ग्लास बांध दिया है। देखते हैं ग्लास का वेट लेकर फ्लाई कर पाता है या नहीं। अभी तक तो सही तरीके से फ्लाई कर रहा है यार फर्स्ट अटेम्प्ट में। अभी देखो धीरे धीरे करके नीचे आने लगा है और थोड़ा सा मैं इसको ट्राई कराऊंगा ऊपर लेके जाने के लिए। अभी बिल्कुल सही तरीके से फ्लाई कर रहा है यार। अभी सेम चीज फ्लाइंग होवरबोर्ड वाले ड्रोन के साथ भी करके देखते हैं ये ग्लास का वेट उठा पाता है या नहीं। ये उठा तो रहा है पर देखो इसका बैलेंस पूरी तरीके से खराब हो चुका है। ये पूरा का पूरा राइट की तरफ जा रहा है या फिर पीछे जा रहा है, यहाँ पर ये क्रैश हो चुका है। अभी ये 2-in-1 लीप ड्रोन को टेस्ट करते हैं गाइस, ये ग्लास का वेट लेकर फ्लाई कर पाता है या नहीं। जैसे ही मैंने ड्रोन को यहाँ पर टेक ऑफ कराने की कोशिश की, ड्रोन कंप्लीटली भाई साहब उल्टा गिर चुका है। अभी हमारे एकदम सस्ते वाले ड्रोन को टेस्ट करते हैं HX750 को। भाई साहब मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा यार, ये ड्रोन बहुत स्टेबल तरीके से ग्लास को लेकर फ्लाई कर रहा है। ये ड्रोन पेट्रोसोरस ड्रोन से भी अच्छे तरीके से फ्लाई कर रहा है यार। तो मेरी टेस्टिंग में ये दो ड्रोन जो है बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लगे। इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं गाइस, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पर वापस से सस्ता HX750 ड्रोन जीतता हुआ मेरे को लग रहा है। देखो गाइस इसने पूरी तरीके से पेट्रोसोरस ड्रोन को अपनी तरफ खींच के रख दिया है और ये जीत चुका है टग ऑफ वॉर में। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये पेट्रोसोरस ड्रोन पसंद आया या फिर ये 2-in-1 लीप ड्रोन पसंद आया या फिर ये सस्ता वाला HX750 ड्रोन पसंद आया या फिर ये फ्लाइंग होवरबोर्ड वाला ड्रोन पसंद आया। नीचे कमेंट करो गाइस। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम जाता है दिव्येश, शौर्य, करण, फैसल, प्रशांत, प्रद्युमन, तौहिद, कृष्णा, साइमा, मधवी, रॉय। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।